हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं निमिषा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छे लगते हैं तो प्लीज लाइक और शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो चलिए आज के वीडियो की तरफ हम चलते हैं। हाय फ्रेंड्स, तो आज मैं रियल मैंगो केक की वीडियो लेके आई हूँ। एकदम सिंपल और एकदम टेस्टी, और मैंगो एकदम बढ़िया मिलता है, सीजन टाइम है तो एकदम बढ़िया और यमी केक हम बनाएंगे। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। तो आज मैं रेसिपी वीडियो नहीं बता रही, सीधे आइसिंग बता रही हूँ। तो सबसे पहले तो हमें जितना हमें क्रम कोट करना है उतना मैंने क्रीम ले लिया है, उसके अंदर हमें मैंगो इमल्शन ऐड कर लेंगे। इसे मैंगो मिक्स के नाम से भी मिलता है, आप जहाँ से भी केक मटेरियल लेते हैं ना वहाँ से मिल जाएगा आपको आराम से। तो इसे अच्छे से मिक्स करके मैंने रख लिया है। तो अभी आज शुगर सिरप से सोक नहीं करेंगे, जो हमारा मालास का मैंगो क्रश आता है ना उसके अंदर हमें थोड़ा सा मैं क्रश ऐड कर लेंगे पानी के अंदर। तो मैंने 1 kg का केक मैं बना रही हूँ, तो स्पंज बनाते हैं उसके अंदर भी मैंने मैंगो इमल्शन ऐड करके मैंने स्पंज बनाया था, इसलिए ये थोड़ा सा येलो कलर जैसा लग रहा है। तो पानी के अंदर भी मैंने क्रश ऐड कर लिया है, तो एकदम अच्छा बढ़िया रिच टेस्ट आना चाहिए इसके लिए मैंने ऐड किया है। तो उसे अच्छे से मिक्स करके उसके बाद में इसी पानी से हम अच्छे से सोक कर लेंगे केक को। तो मैंने 3 layers में कट किया था और 7 inch की मोल्ड में मैंने केक को बेक कर लिया था मैंने, तो उसे 3 layers में कट किया है। तो फर्स्ट लेयर रखेंगे, उसे सोक कर लेते हैं अच्छे से। और जो हमने मैंगो इमल्शन ऐड करके मैंने क्रीम रखा था ना उसे पैकिंग बैग में भर लिया था मैंने, तो उससे ही हमें क्रम कोट कर लेते हैं। तो इस तरह से पूरे से पाइपिंग बैग में भर के क्रीम करने से हमें एकदम इवनली सारे जगह एक जैसे क्रीम मिलता है और अच्छे से फटाफट फिनिशिंग हो भी जाता है। तो आप देख सकते हैं एकदम अच्छे से हो चुका है। तो इसके ऊपर हमारा जो मैंगो क्रश है ना मालास का, उसे हमें ऐड करेंगे ताकि एकदम बढ़िया एक एक बाइट में भी एकदम मैंगो का टेस्ट आना चाहिए। तो अभी रियल मैंगो इसके ऊपर से भी डालेंगे हम। तो इस तरह से मैंने जितना आपको मर्जी हो मन चाहे उतना टेस्ट के हिसाब से आप डाल दीजिएगा, आपको जितना डालना है। तो मैंने डाल दिया है, तो सेकंड लेयर भी रख लेंगे। तो उससे भी हमें मैंगो जो क्रश डाल कर रखा था सिर्फ उससे हमें सोक कर लेना है। उसी तरह से सारे रिपीट कर लेते हैं, उसे ही हमें रिपीट करना है। तो जहाँ भी हमें गैप्स लग रहे हैं नीचे ज़्यादा ही होगा क्योंकि हमने मैंगो फिल किया ना, इसलिए नीचे थोड़ा ज़्यादा गैप होगा, तो पाइपिंग बैग से उधर क्रीम भर लेते हैं, उसे फिनिशिंग कर लेंगे और थर्ड लेयर रख लेंगे। तो उसे भी हमें शुगर सिरप सोक कर लेना है। अभी गर्मी का टाइम है तो क्रम कोट करके हमें फ्रिज में सेट होने के लिए छोड़ देंगे 15 मिनट के लिए। फ्रेंड्स, आगे भी आप कौन कौन से वीडियोस देखना चाहते हैं मुझे कमेंट करके ज़रूर बताते रहिएगा। और फिर मेरे केक के वीडियोस आपको समझ में आ रहा है क्या नहीं मुझे बताना। अगर कोई भी डाउट है तो मुझे ज़रूर बताना, मैं आपके सारे डाउट क्लियर करूँगी। अगर रेसिपी वीडियो भी चाहते हैं तो मुझे कमेंट में डाल दीजिएगा नीचे, तो मैं पूरे स्टार्टिंग से रेसिपी वीडियो भी लेके आती रहूँगी। तो आप देख सकते हैं मैंने अच्छे से मैंने क्रम कोट कर लिया है। जितना हमने क्रम कोट करने के लिए क्रीम लिया था ना, वो पूरा ही फिनिशिंग हो चुका है, एकदम से पूरा कर लिया है मैंने। अभी हम फिनिशिंग करेंगे तो क्रीम में कुछ भी नहीं डालेंगे, वाइट क्रीम से हम करेंगे। तो आप देख सकते हैं एकदम अच्छे से हो चुका है। तो अभी फ्रिज में रखने से पहले बोर्ड भी हमें अच्छे से क्लीन कर लेना है, उसके बाद में हम रखेंगे। तो मैंने निकाल लिया था 15 मिनट मैंने फ्रिज में रख के, उसके बाद में हमें पाइपिंग बैग में मैंने वाइट कलर का क्रीम जिसमें कुछ भी नहीं ऐड किया है, सिंपल वाइट कलर का क्रीम जो आता है ना नॉर्मल, उससे मैंने भर लिया था। तो उसे इस तरह से फैला लेंगे। तो अभी देख सकते हैं गर्मी का टाइम है तो एकदम क्रीम एकदम कैसा दरदरा जैसा एकदम से आ रहा है। तो कोई प्रॉब्लम, डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं। अगर आपको ऐसा लग रहा है तो थोड़ा सा पानी स्प्रे कर लीजिएगा, तो उसके बाद में फिर एक केक कॉम्बो से आप फिनिशिंग करोगे तो आराम से फटाफट ही हो जाता है। तो आप देख सकते हैं मैंने स्प्रे थोड़ा सा कर लिया है, पानी कर लिया था मैंने, और उसके बाद में एक बारी घुमाने से एकदम बढ़िया फिनिशिंग आ चुका है। तो हमारा इस तरह से हमारा केक आइसिंग हो चुका है। तो इसे हमें फ्रिज में थोड़ी देर के लिए रख लेंगे। तब तक हमने मैंगो जूस बना लिया था। मैंगो जूस तो आपको पता ही है ना कैसे बनाना है, मिक्सी के जार में थोड़ा सा शुगर डाल के मैंने मैंगो को अच्छे से इसका जूस बना लिया था। तो उसे पाइप में भर के इस तरह से मैंने डाल दिया एक साइड में, और हमारा रियल मैंगो इसका एक पीस मैंने कट करके इस तरह से मैंने रख लिया है ऊपर से, और साइड में भी थोड़ा सा गार्निशिंग के लिए मैंने उधर उधर से पूरा पाइपिंग जो क्रीम बचा स्टार नज़र से साइड में बॉर्डर डिज़ाइन भी बना लिया है, और थोड़ा सा पीस मैंने इस तरह से रख लिया है। तो उम्मीद करती हूँ आज का वीडियो आप सभी को अच्छा लगा होगा। कोई भी डाउट हो तो मुझे ज़रूर पूछना, मैं आपका डाउट सारा क्लियर करूँगी। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड टेक केयर।